Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Brendon McCullum को इंग्लैंड का नया वाइट बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है. McCullum इंग्लिश टीम के साथ बतौर टेस्ट कोच पहले ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं. मुआहदे के मुतालिक किए जाने वाले ऐलान के मुताबिक Brendon McCullum अब 2027 तक बशमूल जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद होने वाले आइंदा 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप इंग्लैंड के वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कोचिंग करेंगे. इस दौरान वो टेस्ट टीम की कोचिंग भी जारी रखेंगे. Brendon McCullum अपनी जिम्मेदारी बतौर वाइट बॉल कोच जनवरी 2025 से संभालेंगे. इस दौरान रवा माह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुनक्किदा होने वाली T20 और वनडे सीरीज और नवंबर में कैरिबियन में होने वाली वाइट बॉल टूर में इंग्लिश टीम के कायम मकाम हेड कोच इंग्लैंड के साबिक ओपनर मार्कस ट्रेस्कोथिक होंगे. Brendon McCullum के साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह मुआहदा जुलाई में मैथ्यू पॉट्स को गुज़श्ता बरस होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप और रवां बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर हटाए जाने के बाद किया है. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.